इसको अच्छा थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है मूली के, मूली को काट काट के हाँ। और इसको मैंने इसका पानी लेना है मैंने, ठीक है, इसका मैंने पानी, एक्ने के लिए मैं बता रही हूँ तो ज्यादा इसको नहीं बनाऊंगी। मैंने इसको 1 टेबल स्पून पानी लिया हाँ। और जो ये टमाटर है पूरी दुनिया में एक्ने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इसके सोप भी मिल रहे हैं, क्रीम्स भी मिल रही हैं इसकी। तो टमाटर जो है आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मिक्स करके लगाएंगी तो एक्ने जल्दी ड्राई आपका हो जाएगा। तो आपने टमाटर का जूस लिया? जूस ले लिया मैंने, अच्छे से ब्लेंड कर दिया। मूली का मैंने जूस ले लिया, मूली का जूस और टमाटर का, हाँ टमाटर का 1 टेबल स्पून ले लिया। हल्दी एंटीसेप्टिक है जो आपको, जो इसको पानी जो होता है ना वो इधर उधर ना हो, दूसरे एक्ने ना निकले, सही है, बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी और उसके साथ मूली का पानी, टमाटर का पानी, पानी और हल्दी चुटकी हाँ, और ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है ताकि वो एक कंसिस्टेंसी अच्छा सा बन जाए, इसका पेस्ट बन जाए अच्छा से क्रीम की तरह, ठीक है। अब इसको आपने लगा देना है, इसकी खास बात है आपकी स्किन पे जाके जहाँ एक्ने वहाँ ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा, वो बहेगा नहीं। अच्छा मतलब एक्ने एक्ने पे लगाएं जो, सिर्फ एक्ने पे, एक्ने की क्रीम सिर्फ एक्ने पे ही होती है, पूरे फेस पे नहीं होती है कभी भी। उसको लगाएं और इस दौरान स्क्रबिंग बिल्कुल ना करें। आपका दिल चाह रहा है 4 दिन बाद शादी में जाना है, पार्लर चली गई तो खूब आप मसाज स्क्रब करवा रही हैं, तो ये ना करें। ट्रीटमेंट में ये नहीं होता, फेस वॉश बहुत अच्छा कर सकती हैं आप, लेकिन आप स्क्रबिंग नहीं कर सकती। एक्ने क्या होगा, कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, उसके अंदर पस हो जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में चला जाएगा। ये आप लगाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन में इसके रिजल्ट ड्राई होना शुरू हो जाएगी और 1 हफ्ते में ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन निशान जो होते हैं उसको टाइम लगता है 3 से 4 महीने का, 6 महीने भी हो जाते हैं तो उसको टाइम लगता है, इसके निशान भी चले जाएंगे।